स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव 24 में, आपके साथ एहसिन फातिमा। आइए तमाम खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिकता संशोधन कानून और बोडो समझौते पर हस्ताक्षर के बाद पहली बार असम के दौरे पर हैं। पीएम मोदी कोकराझार में रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत माता की जय के नारे लगवाए। इस दौरान पीएम मोदी ने राहुल गांधी के डंडे वाले बयान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस मोदी को इतनी बड़ी मात्रा में माताओं बहनों का सुरक्षा कवच मिला हो, उस पर कितने ही डंडे गिर जाए उसको कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो आंदोलन से जुड़े संगठनों ने जिस ऐतिहासिक समझौते पर सहमति जताई है, जिस पर साइन किया है, उसके बाद अब कोई मांग नहीं बची है और अब विकास ही असम और देश दोनों की पहली प्राथमिकता है। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के युवा पीएम मोदी को डंडे से मारने वाले बयान पर आज लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। सदन में बीजेपी और कांग्रेस के सांसद एक दूसरे से भिड़ गए, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को 1 बजे तक स्थगित कर दिया गया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में राहुल के इस बयान पर तंज कसा था। उस वक्त राहुल पीएम मोदी के सामने ही बैठे हुए थे। दरअसल लोकसभा में आज राहुल गांधी ने लिखित में एक सवाल पूछा था। राहुल के सवाल का जवाब केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन को देना था, लेकिन हर्षवर्धन ने सवाल का जवाब देने से पहले कहा, मैं राहुल गांधी के पीएम मोदी पर दिए गए बयान की निंदा करता हूं, जिसमें उन्होंने पीएम को डंडे से मारने की बात कही है। हर्षवर्धन की इसी बात पर कांग्रेस सांसद हंगामा करने लगे। इसके बाद बीजेपी सांसद हर्षवर्धन के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते दोनों पार्टियों के सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने और उनके सामने आ गए। हंगामा देख ओम बिरला ने लोकसभा 1 बजे तक स्थगित कर दिया। And I don't think that in the worst of cases our party leaders make such outlandish personal remarks against him, ever threatening that the country's youth will beat him with dandas and throw him out of the country. The entire house present here must in unequivocal terms condemn his language against the honorable Prime Minister. I demand and उधर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PSA लगाने का मामला बढ़ता ही जा रहा है। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आप इस तरह से कश्मीर पर शासन नहीं कर सकते हैं। आगे अधीर रंजन ने कहा कि भौगोलिक रूप से कश्मीर हमारे साथ है, लेकिन भावनात्मक रूप से नहीं है। कल संसद में पीएम नरेंद्र मोदी ने उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ बात की और रात में उन पर PSA लगा दिया गया है। अधीर रंजन ने से पहले कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने भी उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर PSA लगाने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। हालांकि सरकार का कहना है कि 6 नेताओं ने उनके नियमों और शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था, इसलिए उन पर PSA लगाया गया। दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं को हिरासत में रखा गया था। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जन सुरक्षा कानून के तहत गुरुवार को दर्ज मामले को लेकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने नाराजगी जताई। उन्होंने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा और इसे लोकतंत्र का सबसे घटिया कदम करार दिया। चिदंबरम ने ट्वीट करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और अन्य के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट की क्रूर कार्रवाई से हैरान हूं। आरोपी के बिना किसी पर कार्रवाई लोकतंत्र का सबसे घटिया कदम है। अब अन्यायपूर्ण कानून पारित किए जाते हैं,
या अन्यायपूर्ण कानून लागू किए जाते हैं तो लोगों के पास शांति से विरोध करने के अलावा क्या विकल्प होता है। इसके साथ चिदंबरम ने एक और ट्वीट किया, इसमें उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विरोध प्रदर्शन से अराजकता होगी और संसद विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों का पालन करना होगा। वो इतिहास और महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला के प्रेरक उदाहरणों को भूल गए हैं। तो वहीं जहां एक ओर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA लगाए जाने पर विरोध हो रहा है, वहीं सरकार का कहना है कि इन नेताओं ने नियम शर्तों को मानने से मना कर दिया था, इसलिए इन पर PSA लगाया गया है। सरकार ने पूर्व CM फारूख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, IAS से राजनेता बने शाह फैसल, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता अली मोहम्मद सागर और PDP नेता सरताज मदनी पर PSA लगाया गया। धारा 370 हटाए जाने के बाद उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। बीते दिनों एक बॉन्ड पर सिग्नेचर कराकर कई नेताओं को रिहा किया गया। इस बॉन्ड में धारा 370 हटाने के संबंध में विरोध प्रदर्शन न करने की गारंटी थी। इस बॉन्ड पर सिग्नेचर करने से फारूख अब्दुल्ला, उमर और महबूबा समेत 6 नेताओं ने मना कर दिया, जिसके बाद इन नेताओं पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया। इसके साथ ही उमर और महबूबा को उनके घर पर शिफ्ट कर नजरबंद कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में जब से शिवसेना ने कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई है, तब से कई राजनीतिक समीकरण बदलते दिख रहे हैं। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नए अंदाज के साथ राजनीतिक मैदान में है और शिवसेना पर लगातार हमले कर रही है। शुक्रवार को मनसे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर पोस्टर लगाया है, जिसमें पाकिस्तानी बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की शुरुआत उनके मोहल्ले से करने की बात लिखी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से लगाए गए पोस्टर में लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री, अगर आप बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए सीरियस हैं तो सबसे पहले शुरुआत अपने क्षेत्र बांद्रा से ही करें, क्योंकि वो इलाका घुसपैठियों से भरा हुआ है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने किसान जनजागरण अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर अभियान की शुरुआत की जानकारी दी। अपने इस ट्वीट में प्रियंका ने शुक्रवार को योगी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा, यूपी की बीजेपी सरकार ने किसानों के साथ हर मोर्चे पर छल किया है। देश का अन्नदाता हमारी प्राथमिकता है। यूपी की राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, बीजेपी सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कही थी, पर मौजूदा समय में किसान बदहाल, हताश और निराश है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, तो उसने किसानों से ये वादा किया था कि हम उनके आय को दुगुना करेंगे, साथ ही साथ फसलों का समर्थन मूल्य दुगुना देने की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। लेकिन मौजूदा परिवेश में किसान बदहाली और हताश और निराश है। किसानों के इन विषयों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी
ने यह निर्णय लिया है कि किसान जन जागरण अभियान की आज से शुरुआत करने का निर्णय लिया। 8 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, यानी चुनाव की प्रक्रिया में 24 घंटे भी नहीं बाकी हैं। अब चुनाव के दौरान जो जिम्मेदारी प्रशासन की होती है उसको लेकर दिल्ली में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर लिए, क्योंकि राजधानी में नागरिकता संशोधन कानून और NRC को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इसकी वजह से पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। मतदान केंद्रों की सुरक्षा और EVM की आवाजाही के लिए अर्धसैनिक बल की 190 कंपनी के साथ 40,000 दिल्ली पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जहां 19,000 होमगार्ड भी पुलिसकर्मियों की मदद करेंगे, तो वहीं 2,689 मतदान केंद्र, 545 संवेदनशील, 21 मतगणना सेंटरों में मल्टी लेयर में सुरक्षा प्रदान की गई है। दिल्ली में शनिवार को होने वाले मतदान से पहले चुनावी माहौल बदलता दिख रहा है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के OSD को CBI ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। इसके बाद BJP का हमला करना जारी है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी तरह के आरोपों पर जवाब दिया है और कहा है कि BJP जितने भी षड्यंत्र कर रही है वो सभी फेल हो रहे हैं। दिल्ली CM ने कहा कि आप भरोसा रखें, पवित्र शक्तियां आपके साथ हैं। मनीष सिसोदिया के OSD की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी पर हमला तेज हो गया है। शुक्रवार दोपहर को अरविंद केजरीवाल ने लिखा, मुझे कई लोगों के फोन आ रहे हैं कि वो लोग पैसा बांटेंगे, साजिश करेंगे। मेरी सबसे अपील है कि सत्य आपके साथ है। आपने 5 साल पूर्ण कमाए, दुआएं और आशीर्वाद कमाया है। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कितने षड्यंत्र किए, सब फेल हो गए। प्रभु पर भरोसा रखो, सभी पवित्र शक्तियां आपके साथ हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ यूपी के CM योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ योगी जी के मंत्री सरकारी अधिकारियों को नियमों को ताक पर रखकर काम करने की नसीहत दे रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर का बखान करते नहीं थकते। यूपी को भ्रष्ट मुक्त शासन देने का दावा करने वाले CM के मंत्री जी अधिकारियों को नियमों को ताक पर रखकर काम करने की सलाह दे रहे हैं, और वो भी ऑन कैमरा। बता दें, ये संवेदनशील सलाह योगी सरकार के यूपी सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बाबूलाल वाल्मीकि का है। मंत्री जी की नसीहत खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए कि किस तरह वो अधिकारियों से नियमों को ताक पर रखने की बात कर रहे हैं। योगी जी के मंत्री जी एक तो ऑन कैमरा अधिकारियों को गलत नसीहत देते हैं, नियमों से हटकर काम करने की सलाह भी देते हैं, लेकिन जब उनसे इसके बारे में पूछा जाता है तो योगी सरकार की ये धुरंधर मंत्री लाल बाबू वाल्मीकि पलटू राम की तरह तुरंत अपनी जुबान से पलट भी जाते हैं। नहीं, इस विषय में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। लाइन एंड ऑर्डर को मैं स्ट्रांग चाहूंगा कि लाइन एंड ऑर्डर स्ट्रांग होनी चाहिए। देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है उस संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत ही कानून व्यवस्था का राज्य चलना चाहिए। नहीं, हम इस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे। यूपी के मंत्री जी अपने बयान से कितना भी पलट लें, कितना भी झूठ बोल लें, लेकिन मंत्री जी का ये वीडियो योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर का पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव 24।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र में एक युवती का अपहरण करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने युवती को शादी का झांसा दे रखा था। इस बीच युवक ने युवती को नशीला पदार्थ खिला दिया और युवती का अपहरण कर अपने घर में बंधक बना लिया। यहां आरोपी युवक ने युवती का शोषण किया। पीड़ित युवती पीलीभीत की बताई जा रही है। देर रात किसी तरह पीड़ित युवती आरोपी के चंगुल से छूट कर भाग निकली और नजदीक के किठौर थाने में जाकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई। चला के दे दिया था, बोला कि हम अभी यहीं पर ही घूमेंगे, फिर उसके बाद मुझे नशे की दवा दे के खिला के और यहाँ तक लेके आ गया। आगे पीछे इनकी लड़कियाँ रहती थी मेरे, कभी वो खुद ही जाता रहता था, ना किसी से बात करने देता था। और कहीं बात करने जाती थी तो तुरंत देखते सारी मारता था घर में जाकर। देखिए, ये पीलीभीत जनपद की रहने वाली एक महिला आज सुबह थाना किठौर पर आई हैं और उन्होंने ऐसे कतिपय आरोप एक व्यक्ति पर लगाए गए हैं। इनकी जो भी समस्या है उसको सुना गया है और जो निरीक्षक किठौर हैं उनको बताया गया है कि प्रकरण में जो लगाए गए आरोप हैं वो गंभीर प्रगति के हैं, इसलिए तुरंत उसमें जाँच की जाए और जो भी सही है उसमें तत्काल आवश्यक कार्रवाई। रायबरेली के नगर अध्यक्ष बीजेपी नेता संतोष पांडे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी को डंडे से मारने वाले बयान से आहत होकर मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और पुलिस से मामले में विधिक परामर्श लेकर कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं मामले पर जब अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद राय से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें प्रार्थना पत्र मिला है जिस पर विधिक राय लेकर कार्रवाई की जाएगी। मुर्दाबाद। आज हम लोग यहाँ बातचीत बोले अपने नगर टीम के साथ, यहाँ पे इसकी ज्ञापन देने और प्रार्थना पत्र देने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रतिनिधियों द्वारा एक ज्ञापन दिया है जिसके तथ्यों को परीक्षण किया जा रहा है, विधिक राय लेकर उसे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर की तहसील में कल शारदा नहर के किनारे बसे गांव जलालपुर में पुल के पास दरी फैक्ट्री में अचानक जहरीली गैस रिसाव के चलते 3 बच्चों, 1 महिला और 3 पुरुषों की मौत हो गई। घटना के बाद कई टीमें गठित कर जांच की जा रही है। विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि NDRF की टीम, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी सहित कई अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर बराबर जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख प्रकट किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए सहायता राशि देने के लिए आदेशित किया गया है। अभी लेटेस्ट अपडेट ये है, उसमें संबंधित धाराओं में 302, 120B और 278 IPC के अंदर मुकदमा लिखा गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा एक कमेटी गठित हुआ है, उसमें किस तरफ का लापरवाही हुआ है और क्या क्या वायलेशंस हुआ है और उसके कमेटी की रिपोर्ट आज शाम तक आएगा, उसके अग्रिम कार्रवाई किया जाएगा। वेशना में अभी 2 लोगों को कस्टडी पर लेकर पूछ। उधर बदायूं में उज्जानी सहसवान रोड पर रात को कूड़ा नरसिंहपुर ग्राम के पास किसी अज्ञात वाहन ने हसुपुर बहेड़िया निवासी सवेंद्र कुमार बा भवानीपुर निवासी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी, सर्वेंद्र की हालत बहुत ही नाजुक हो गई है, पर यहां पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला। जब कोतवाली प्रभारी ओझानी विनोद कुमार चौहान ने स्वयं सरकारी गाड़ी से घायल को अस्पताल भेजा, सर्वेंद्र कुमार को बदायूं से बरेली के लिए रेफर कर दिया गया। बरेली के रोहिल खंड मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। टक्कर किससे हुई है इसकी कोई जानकारी अभी नहीं लग पाई है। कुशीनगर जे के डायग्नोस्टिक सेंटर में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। कसिया में एक गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे को रिपोर्ट में डॉक्टर कमलेश सिंह ने मृत करार दिया और डॉक्टर ने
अबॉर्शन की तैयारी भी शुरू कर दी। मरीज की हालत बिगड़ने पर फिर अल्ट्रासाउंड कराया गया जिसमें बच्चा जीवित मिला। इसकी जानकारी होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने नोडल अधिकारी संजय गुप्ता को जांच के लिए भेजा। उन्होंने एक घंटे तक बंद कमरे में जांच की। आपका बच्चा एक्सपायर हो गया है, फिर हम उसके चार दिन बाद 1 तारीख को वहाँ पे साकुम्बरी में अल्ट्रासाउंड कराए, वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि आपका बच्चा जिंदा है। तो हमने इनके रिपोर्ट पे बच्चा नुकसान करने की डॉक्टर से दिखा के दवा ले लिया, और फिर जब मैंने दूसरा अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें दिखा कि बच्चा जिंदा है। फिर आज आके इनके यहाँ अल्ट्रासाउंड कराया हूँ तो इसमें ये भी बता रहे हैं कि बच्चा जिंदा है। हाँ, जो ये मिस लिखे हैं जी, ये प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है। लिखा तभी जाता है कि 7 हफ्ते 5 दिन पे किसी भी हालत में बच्चा और बच्चे की धड़कन को आराम से दे रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुशीनगर के आदेश के क्रम में कल कोई प्रकरण यहाँ पे हुआ था, उसका जो है पेपर में कवरेज था, तो उसके सिलसिले में जो उनके द्वारा आदेश दिया गया कि जांच करके। और उधर ललितपुर के सागर हाईवे पर बोलेरो में शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई है। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के पत्थर व्यवसायी द्रवेंद्र सिंह के तौर पर हुई है। खास बात यह है कि इस घटना की जानकारी पुलिस को तब लगी जब मृतक के रिश्तेदार उसे ढूंढते हुए तिगोला चौराहे पर खड़ी उसी कार तक पहुंचे जहां कार की पिछली सीट पर व्यवसायी का शव मिला, जिसके बाद तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी, तब जाकर कहीं पुलिस की नींद खुली। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच में अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कल रात में इनके पास 11:15 के दरमियान किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन आया है, तो जो घर पर बता के चले गए और घर वालों ने रुका भी, कहाँ जा रहे तो बोल के गए कि अभी 10-15 मिनट के अंदर हम वापस आ रहे। कार के अंदर एक व्यक्ति की बॉडी मिली है, उसकी शिनाख्त हुई है जो देवेंद्र राजपूत के रूप में, और ये रहने वाले सागर डिस्ट्रिक्ट के हैं। पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी। उधर रायबरेली के बछरावा में 1 फरवरी को हुई वंश का हत्याकांड मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने परिजनों को 2 लाख की आर्थिक मदद दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिजनों की मदद करते हुए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 2 लाख के चेक अपर जिलाधिकारी रायबरेली और क्षेत्र विधायक राम नरेश रावत ने परिजनों को सौंपा। दरअसल बीते 1 फरवरी को एक युवती का अजला शव कटवारा के जंगलों में मिला था, जिसकी शिनाख्त वंशिका गुप्ता के रूप में हुई थी, जिसके संदर्भ में 5 फरवरी को जनपद रायबरेली की पुलिस खुलासा करते हुए एक युवती सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। तो दुखी परिवार के लिए तो घटना दुखद ही है, और वो सभी की तरफ से सांत्वना है, और माननीय विधायक जी के प्रयास से इतनी जल्दी उनको आर्थिक मदद दी गई है। मुख्यमंत्री, माननीय विधायक जी, प्रशासन, जनमानस और इसके साथ ही साथ टाउन एरिया के चेयरमैन, सभी के सभी लोग आज पीड़िता के घर पर दुख प्रकट कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से, शासन प्रशासन के माध्यम से आर्थिक सहायता दी गई है। बछरामा का जनमानस मुख्यमंत्री के प्रति, जनमानस के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता है। धन्यवाद। दुखी परिवार के लिए पूरा बछरावा, मीडिया भी पूरी तौर से, राजनीतिक नेतागण भी, सभी दलों और प्रशासन, यहाँ के चेयरमैन, यहाँ का व्यापार मंडल, सब लोगों की एक जो इच्छा थी कि इनको त्वरित न्याय मिले, अपराधी पकड़े गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट पर मुकदमा चले, ऐसी सब लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की, और कुछ आर्थिक सहायता की बात की गई थी जिसे त्वरित माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान करके जिलाधिकारी को निर्देशित किया, ADM और तहसीलदार साहब को भेज करके यहाँ पर उनकी आर्थिक मदद की गई है। अभी चेकअप। तो खबर यूपी से ही है, जहां योगी सरकार में दबंगों की दबंगई खुलेआम देखने को मिल रही है। दरअसल झांसी जिले के थाना उल्दन क्षेत्र के ग्राम
पलरा गांव में लोगों ने एक युवक को बुरी तरह लाठी डंडों से मार मार के घायल कर दिया। जब उसके बाद भी लोगों का मन नहीं भरा तो उन्होंने उस युवक को मल खिला दिया, जिससे उसकी हालत और भी खराब हो गई। जिसके बाद भी लोगों का मन नहीं भरा और लोगों ने युवक को गांव की गलियों में घुमाया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने युवक के ऊपर 315 बोर का तमंचा लगाकर जेल भेज दिया। वहीं युवक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, युवक के पिता वंशीधर ने पुलिस क्षेत्र अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों पर कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई। चलिए आगे बढ़ते, कर्ज के बोझ तले दबी सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया बिकने के लिए तैयार है। सरकार इसके लिए खरीदार की तलाश में है, लेकिन सच तो ये है कि सरकारों ने इसे बचाने की जगह और इस पर बोझ ही डाला है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव 24। नमस्कार।